हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में एक लेटेस्ट सॉन्ग जो है अभी आया है, केसरिया तेरा इश्क है पिया, उस सॉन्ग का हम जो है ट्यूटोरियल करेंगे प्रॉपर मेलोडी एंड कॉर्ड्स के साथ। ठीक है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, खासकर कॉर्ड वाले पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, है ना, तब आप अच्छे से सीख पाएंगे इस सॉन्ग को। तो मैं अभी आपको गाना चालू करने से पहले इसका मेटा डेटा बताता हूँ, है ना, मतलब क्या क्या इस पर अप्लाई हुए हैं, स्केल, कॉर्ड्स और टेम्पो वगैरह क्या रहेगा इस सॉन्ग का। वो तो ये जो सॉन्ग है ना, सिंपली सी मेजर स्केल से कंपोज हुआ है। सी मेजर स्केल देख लीजिए, ये है, ये सी मेजर स्केल। अगर आपको स्केल, कॉर्ड्स वगैरह के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो देख सकते हैं, और प्रॉपर सीखने के लिए हमारा लाइव क्लासेस होती है, तो आप लाइव क्लासेस पे ज्वाइन हो सकते हैं। उसके डिटेल्स आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारा प्री रिकॉर्डिंग कोर्स भी है, वो आप हमारे वेबसाइट जो course.pianobajao.com है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर एडवांस तक वहाँ दिया हुआ है कोर्स, जिसको आप लेके वहाँ से सीख सकते हैं। और हमारा एक बुक भी है, पियानो बेसिक टू एडवांस, हिंदी में बहुत अच्छा बुक है, वो भी आप लेके सीख सकते हैं। तो अगर आपको जो भी परचेस करना है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉन्ग है, सी मेजर से है। अब सी मेजर वाले यहाँ पे कॉर्ड लगेंगे, तो सी मेजर में कौन कौन से कॉर्ड लगते हैं। फर्स्ट जो है सी मेजर लगाएंगे, सी ई जी, फिर सेकंड कॉर्ड हम लगाएंगे एफ मेजर, एफ ए सी, थर्ड कॉर्ड लगाएंगे हम जी मेजर, जी बी डी, है ना। इस तीन कॉर्ड से हम इस गाने को प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो देखिए, इसको अब रखने का तरीका क्या है, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से आपको प्ले करना है इस तरीके से। तो सी का जो है रूट नोट वाला जो ओरिजिनल कॉर्ड है वो प्ले होगा, एफ का हम लोग इन्वर्जन करेंगे, तो एफ इन्वर्जन के बाद ऐसा हो जाएगा, सी एफ और ए, ये हो गया एफ मेजर। और जो है जी का भी हम इन्वर्जन करेंगे, जी मेजर का इन्वर्जन क्या हो जाएगा, डी जी एंड बी, है ना, इस तरीके से। और मैं आपको शुरू में अभी फिंगर चेंज करके मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अगर मैं लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब से यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा शायद देखने में प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर वाले एंगल से, तो आपको ऐसे ही बजाने हैं। मैं अभी आपको ऐसा प्ले करके दिखा रहा हूँ, है ना, फिंगर्स अच्छे से दिखे करके। तो चलिए शुरू करते हैं सॉन्ग को। मैं आपको हर लाइन का फास्ट में भी प्ले करके दिखाऊंगा, स्लो में भी रहेगा, और आपको ऊपर जो है स्क्रीन पे उस लिरिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे भी इसके नोट्स पूरा प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं pianobajao.com पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से भी नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस गाने का ना जो है इंट्रो म्यूज़िक है। इंट्रो म्यूज़िक कैसे, देखिए, इस तरीके से इसका इंट्रो म्यूजिक है। अब देखिए कैसा होगा, जो मिडिल ऑक्टो के ई से हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड पे जो है सी मेजर कॉर्ड लगेगा यहां पे, देखिए, ये ना इंट्रो म्यूजिक इस तरीके से प्ले हुआ है। अगर आपको कहीं पर फास्ट लगता है तो आप यूट्यूब से ही स्लो कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया है स्पीड को कम ज़्यादा करने का, तो वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से देख सकते हैं स्पीड को। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रो म्यूजिक। अब जो इसका गाना कैसे है, देखिए, है ना, इस तरीके से है सॉन्ग। तो चलिए पहले फास्ट में प्ले करता हूँ आपको, फिर इसका स्लो में भी बताऊँगा। देखो फर्स्ट लाइन, देखो फर्स्ट लाइन में ना चार कॉर्ड लग रहे हैं, सेम कॉर्ड है पर चार बार लग रहे हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राइट हैंड के जो है हायर ऑक्टो के जी से, लास्ट में जी मेजर भी लग रहा है, ठीक है, उसी उसी लाइन पे।
फिर नेक्स्ट लाइन भी ऐसी ही है। उसके बाद जो है रब्बा ने तुझको बनाने में, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला है ना, तो ये कैसे प्ले हुआ है देखिए, स्लो में सी से, लास्ट में जी मेजर लग रहे हैं। फिर एक जो लाइन है ये वाला, इसमें ना ये वाला लाइन है ना, काजल की स्याही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरी वाला जो लाइन है, तो उसमें जो ये वाला लाइन है काजल की स्याही से, ये सेम है, उसके बाद थोड़ा सा चेंज है। देखिए ऐसे फास्ट में प्ले कर रहा हूँ, इस तरीके से है, देखिए ठीक है। देखिए अब इसका मुखड़ा वाला लाइन इस तरीके से है, चार लाइन इस गाने पे, देखिए देखिए इस तरीके से है स्लो में, ये इस तरीके से ये गाना जो है प्ले हुआ है यहाँ तक। अब इसका जो है वर्स वाला पार्ट है, पतझड़ के मौसम में भी रंगी चरानों जैसी जो सॉन्ग है, लिरिक्स है इसका इस तरीके से, देखो ऐसे है, ना इस तरीके से प्ले हुआ है। चलिए स्लो में देखते हैं इसको, स्टार्ट हो रहा है ई से, हायर ऑक्टो के, इधर लग रहा है सी मेजर, और जो कॉर्ड है वो पहले जो लग रहा है ठीक है, फिर ये चालू हो रहा है राइट हैंड में, ठीक है इस तरीके से है। अब उसका जो नेक्स्ट फोर लाइन है वो भी सेम है, लास्ट लाइन थोड़ा सा अलग है ठीक है, लास्ट वाला देखिए अब ऐसे है, अब ये वाला जो लाइन है ना वो अलग है, यहां पे खत्म हो जा रहा है ई में, उसके बाद नेक्स्ट लाइन फिर वो जो पहले प्ले किए थे वो, ये वाला लाइन ना फिर से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे ठीक है, लिरिक्स चेंज हो जाएगा, चंदा चंदा भी दीवाना है तेरा, इस तरीके से जो लिरिक्स है वो चालू हो जाएगा ठीक है। एक बार स्लो में और प्ले कर देता हूँ यहाँ पे का, फिर इसको फास्ट में प्ले करके दिखाऊंगा आपको। केसरिया तेरा वाला फिर से स्टार्ट हो जाएगा,
होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।